अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़्मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़्मा बाबर। आज हम आपके साथ मटन ग्रिल की रेसिपी शेयर करेंगे। मटन ग्रिल बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन को बॉईल करेंगे। पैन में पानी ऐड कर रही हूं, तकरीबन एक गिलास पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मटन है हमारे पास यहाँ ये तकरीबन 500 ग्राम। नमक ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून, यह हसबे ज़ायका। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के। और यहाँ यह हमारे पास 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो हमने घर में ही सुखा ली है, ड्राई हैं ये। इसके अलावा बेबी अनियन है हमारे पास 4 अदद। अगर बेबी अनियन आपके पास मौजूद नहीं है तो आप बड़े साइज़ के अनियन को 2 टुकड़े करके आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इन सब को अच्छा सा हम मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि गोश हमारा हाफ डन हो जाए। मटन हमारा हाफ डन हो चुका है, अब मटन को हम बाहर ले लेंगे और प्याज और हरी मिर्च को भी अलग कर लेंगे। मटन मैंने अलग कर लिया है और प्याज मैंने अलग कर लिए हैं, बस हरी मिर्च का अब कोई काम नहीं है, हम इसको फेंक देंगे। अब एक मैरिनेशन तैयार करेंगे मटन के लिए। उसके लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको हम सब अज्जा को अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। फ्रेश मिंट है हमारे पास यहाँ ये तकरीबन 2 टेबल स्पून। हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबल स्पून। सोया सॉस है 1 टेबल स्पून। ये प्याज है जो अभी हमने बॉईल किया, 3 से 4 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं, 1 अदद नींबू का रस है। और यहाँ ये हमारे पास हॉट एंड सॉर सॉस है तकरीबन 1/2 कप। इन सब को अब हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। अब ये सॉस हम मटन के ऊपर डाल लेंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब इसको यूं ही छोड़ देंगे तकरीबन 1/2 घंटा मैरिनेट होने के लिए। अब मटन को हम ग्रिल कर लेंगे। अब ये कुछ वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, ये बची हुई सॉस के अंदर हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास है छोटे साइज़ के प्याज, 1 अदद टमाटर है जो मैंने स्लाइस कर लिया है, और 1 अदद हमारे पास यहाँ पोटैटो है जो मैंने कट करके रख लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और जितनी देर में हमारा मटन ग्रिल होगा इतनी देर हम इसको मैरिनेट करेंगे और लास्ट में फिर हम इसको भी ग्रिल कर लेंगे। अब एक तरफ से एक ग्रिल हो चुका है, इसको हम पलट देते हैं, दूसरी तरफ से भी ग्रिल कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा साइड में करेंगे और आँच हमारी बिल्कुल धीमी कर लेंगे। अब ये तमाम वेजिटेबल्स भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। मटन अब अच्छे से ग्रिल हो चुका है, इसको अब हम बाहर ले लेते हैं। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को भी हम अच्छा सा ग्रिल कर लेते हैं। वेजिटेबल्स भी बस अब रेडी है, अच्छे से ग्रिल हो चुकी हैं। इसको अभी चूल्हा हम बंद कर लेते हैं और अब इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार मटन ग्रिल सर्विंग के लिए तैयार है। गरम गरम इसको सर्व करें।
आपकी फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।